प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मेरे अजीजों, अब तक का ये सबसे अनोखा संदेश है और आप हैरान हो गए होंगे ये सोचकर कि मरने से पहले कि कौन से संकेत है, कैसा टाइटल है। मेरे अजीजों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना सुने कोई कमेंट नहीं करेगा, इसे सुनने के बाद ही कमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे पता है टाइटल देख के लोग मुझे बहुत गलत बोलेंगे, कहेंगे ये कोई प्रचार है कुछ, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे अनुमति दे दी है। और जब जब मुझे वो अनुमति मिलती है, वो दुनिया के लिए ऊपर से दिखने में कुछ हो ना हो, लेकिन उसका जड़, उसके अंदर का जो मैटर है ना, वो आपको नया कर देगा। और आज जो आप देख लोगे ना ये संदेश, मेरे अजीजों यकीन मानना, आप परमेश्वर को हजार नहीं लाख बार धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की तारीफ वो मेरी नहीं, उसकी बुद्धि ज्ञान है, उसका पवित्र आत्मा है। बहुत अद्भुत संदेश है, प्रकाशन है, अनोखा है। ये पहली बार है ऐसा कि प्रभु ने मुझसे कुछ कहा है इसके बारे में। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपके कान खोल देगा, आंखें खोल देगा, सब कुछ बताऊंगा, बड़ी बारीकी से सुनना। और इस संदेश सुनने के बाद, इस संदेश को सुनने के बाद ही कमेंट करना। अगर गलत लगे तो नीचे बिल्कुल सुनने के बाद, टाइटल लिख के नहीं, गलत लगे तो बिल्कुल बोल देना। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत प्रकाशन, इस अद्भुत, सबसे अद्भुत पिता प्रकाशन का धन्यवाद करता हूँ, जो आपने एक राज खोला और आज बहुत लोग बचेंगे, बहुत लोग बचेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता इस प्रकाशन में, धन्यवाद करता हूँ। और जो जो संदेश सुन रहा है, सुनने के बाद उसके जीवन में ये संदेश ठहर जाए और सारे डाउट क्लियर हो जाए, शैतान का झूठ दूर हो जाए और ये आज़ाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे जीवन, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो वचन है, वचन से बाहर कभी कुछ नहीं बोलूंगा, ना बोलता था ना बोलूंगा, क्योंकि वचन प्रभु है और परमेश्वर ही मुझे बोलने की अनुमति देता है। मेरे जीजो, आपको पता है कि प्रभु ने मेरी सेवा जो दी है वो ऑनलाइन दी है, यूट्यूब वाली दी है, फेसबुक वाली भी थी पहले, अभी भी है, लेकिन प्रभु ने इसको बंद कर रखा है, अभी रोक रखा है मुझे। मेरी अधिकतर सेवा परमेश्वर की दया से यूट्यूब के माध्यम से है। तीन चैनल प्रभु ने दिए, जैसे आप सब जानते हो। आपको कहोगे भाई इसमें क्या है, मैं सारा मैटर बताऊंगा, ये सब कुछ लाइनबाजी से है, सब कुछ है इसमें। दूसरी बात, जब मेरी सेवा यूट्यूब की है तो आप भी यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब हम भी चलाते हैं और बहुत लोग चलाते हैं, है ना। बस ये लगा लो, जब हम चाहे हम प्रभु के गाने सुन रहे, चाहे ये प्रचार देख रहे हो, स्क्रॉल हम करते हैं, इसको जानते हो ना, जैसे कि चलाते हैं, है ना, खाली बैठे बैठे चलो गाने सुन रहे, चलो दूसरा करते तीसरा करते। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे वहीं से ज्ञान देता है, कहीं से भी दे सकता है, जैसे कमेंट में दे दिया, आपके मन की बात बताता है बस, और आपको फंसने नहीं देगा। ये संदेश भी वही है, संदेश का टाइटल यही है, मृत्यु यानी कि मरने से पहले क्या संकेत मिलते हैं ना, संकेत के बारे में, और इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, वो आपको बताऊंगा मैं। तो जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, सडनली एक टाइटल मुझे दिखा, शायद वो न्यूज़ की उससे आया था, या मुझे नहीं पता, टाइटल यही टाइटल आया और प्रभु ने मुझे सब कुछ वहाँ बता दिया। आइए वचन की प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आज का वचन, सबकी आंखें खोले, कान खोल ले, और आज सब बचाए जा सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीव तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ, आप भी धन्यवाद देना। बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा, सुनने की बात करेगा, पूरी सुनना। 10 से 12 मिनट का संदेश है, पूरा संदेश सुनना। जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, यानी कि मैं यूट्यूब देख रहा था, तब मुझे संदेश मिला, प्रभु ने वहां से मुझे बताया कि यूट्यूब पे शैतान का बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत लोग, मैं आपको हमेशा कहता हूँ 10% यूट्यूब पे, 10% मसीह का प्रोग्राम आता होगा, 90% यानी कि 90% संसार चीजें, संसार में कुछ भी मान लो, कुछ भी A to Z, ठीक है। अब शैतान को पता है कि बहुत लोग, आप लोग बदल गए हो, सुधर गए हो, परमेश्वर को चेंज कर दिया है, आप अश्लील वीडियो नहीं देखोगे, बॉलीवुड गाने नहीं सुनोगे, आपको शैतान को पता है, वो नई तरकीब लाएगा आपको फंसाने के लिए, और यही तरकीब है। मरने से पहले हमारे शरीर में या हमारे जीवन में कौन से संकेत आते हैं कि हमें पता चल जाए कि मृत्यु आने वाली है, बिल्कुल गलत है ये। पवित्र बाइबल इसके लिए हमें कहती है, सावधान रहो, भरमाए ना जाओ। हालेलुया। कैसे भरमाए जाओगे वो आपको वचन से समझाऊंगा। शैतान चंट है, ध्रुत है, और वो आपको बड़ी चलांकी से फंसा सकता है मेरे जीजो, बिल्कुल फंसा सकता है। ये तो टाइटल है, आप बहने हो,
भाई कोई भी चीज YouTube पर आप देखते थे फंस सकते हो, क्योंकि शतरंग को पता है अब ये अश्लील वीडियो नहीं देखेंगे, अब ये बॉलीवुड गाने नहीं सुनेंगे। देखिए इनके लिए मैं दूसरा करूंगा, कैसे फंसोगे पहले वचन सुनो। पहला वचन है यहूना 8 का 44। और मैं इसका लास्ट की पंक्ति पढ़ूंगा जो यीशु मसीह ने कहा है, लास्ट की पंक्ति 44 का लास्ट की पंक्ति में साफ लिखा है, क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का पिता ने, यानी कि शैतान के बारे में बोला है। अगर मैं चलो उसे शुरू से पढ़ता हूँ 44 सही, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, वरन वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। अब मैं आपको मजे की बताता हूँ, आप खुश हो जाओगे आज का संदेश से और सावधान हो जाओगे। आपके पास आके कहेगा, वीडियो में आ जाएगा, अगर आप ये 5 कलर के कपड़े पहनोगे तो आपका नुकसान होगा और आप वहीं फंस जाओगे। ऐसे है वीडियो, बहुत अनगिनत वीडियो, और आपके पास ही आएगी वो। शैतान आपको मिसगाइड करेगा। अब आप बहन हो या भाई हो, आप खाली टाइम में हो तो आपका मन वहीं आएगा, क्लिक करे क्लिक करे, 5 कपड़े पहनने से या तो दुख भागता है या फिर गर्दिश यानी कि मुसीबत आती है, दरिद्र हो जाता है इंसान, गरीब हो जाता है। अब आपके मन में धक धक होने लगेगी, अब फिर क्या होगा, लड़ाई होगी अंदर ही अंदर, अरे बुरी चीज़ कोई है, फिर आपका एक सवाल आएगा, अरे अश्लीलता कोई है, अरे बॉलीवुड कोई है, अरे देख तो लेते क्या होता है। और जैसे ही आपने क्लिक कर दिया फंस गया, उसमें बताया जाएगा इन 5 कलरों के कपड़े ये तो पहनना नहीं या पहनना है, समझ रहे हो, यानी कि इन 5 कलरों के, अब वो कलर आपका है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, वीडियो है ऐसी जैसे मैंने अभी ये टाइटल लिखा है, या फिर आपको बताया जाएगा ये 5 सब्जी खाने से या 5 प्रकार के चीज़ खाने से कैंसर हो जाता है, एड्स हो जाता है, यानी कि मतलब वो टाइटल जो भी वीडियो बनाते हैं कुछ भी डाल देते हैं। अब ये शैतान ने आपको पिन मार दी, अब क्या करोगे, अब डर घूमोगे अपने घर में, ये सब्जी नहीं खाओगे, वो सब्जी नहीं खाओगे, आपके वचन हट जाएंगे, तुरंत हट जाएंगे, किसी विश्वास के घर गए चर्च में वही सब्जी मिल गई आपको, झूठ बोल लोगे, नहीं मेरा फास्ट है मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो का दिमाग में आ गया। अब कलर की बात, अब कलर क्या चीज़ है, माँ आपने वीडियो देख ली, अब जैसे आपने अलमारी खोली आपको याद आ जाएगा वीडियो, मैं इस वीडियो में लिखा था कि वाइट कपड़े पहनने से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, फिर आप वचन की बात नहीं मानोगे कि परमेश्वर कहता है तेरे आने में सहायता करूंगा, आपके मन में दिमाग में आ जाएगा या वाइट कपड़े, चाहे बेशक आपका कल तक फेवरेट था वो छोड़ दोगे, या अगर ये बोल दिया इन कपड़ों से आशीष मिलती है पहनने से, अंधविश्वास बता रहा हूं मैं आपको, गलत फहमी जो शैतान लाता है, झूठ लिखा है ना, तो अपने पति को भी अपने बच्चों को भी आप वही कपड़े पहनाओगे, और जब आशीष आएगी ना, ऐसे तो नहीं आएगी प्रभु देगा जैसे, तो आप क्या कहोगे, अच्छा इस कपड़े पहनने से आशीष आ गई, हंस रहे ना, आपको हंसी आ रही है मुझे पता है, परमेश्वर धन्यवाद जो हंस रहा है मुझे बताएगा, क्योंकि वचन साफ कहता है। देखो एक वचन में और जाऊंगा, दूसरा क्रंथियो 11 अध्याय उसका, दूसरा क्रंथियो 2 अध्याय उसका 11वां वचन, कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। युक्तियां बनाता है और प्रभु ने युक्तियां पढ़ ली और मुझे बता दी और मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया, वो युक्तियां बना चुका था, क्योंकि जब वो देखता है ना कि मेरा पहला तीर खराब चला गया, अब बहुत सारी बहनें बहुत सारे भाई बदल गए प्रभु में आके, अब जब बदल गए तो अब वो कह रहा कि उनको कैसे फंसाऊं, तो अंधविश्वास से फंसाएगा, भय के द्वारा फंसाएगा, डर के द्वारा फंसाएगा, ये खाने से ये बीमारी आती है, ये खाने से ये कैंसर होता है, ये खाने से ये हो जाएगा, आप साइकोलॉजी दिमाग खराब हो जाएगा, उसे सावधान रहना। हालेलुया। अंतिम वचन कहकर प्रार्थना करूंगा, मेरे अजीजों आज परमेश्वर ने आपकी बुद्धि ज्ञान को खोल दिया, मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो ये संदेश आप सुनकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन आपको आनंद आ रहा है, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ ये सच है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है, गलत नहीं हो सकता, मेरे परमेश्वर आज तक मुझसे जो बोला है वो पूरा हुआ है, हालेलुया। और प्रभु को और आपको पता है कि प्रभु आपके मन की बात मुझे बताता है,
इसलिए मेरे अजीजों शैतान जब पहला तीर फेल होता है ना उसका, आपको शैतान को पता है अभी लड़का लड़की बदल चुके हैं, ये पति पत्नी बदल चुका है ना, तो खाली टाइम में आधा घंटा आप, मैं ये नहीं कह रहा वीडियो चला रहे हो आप मसीह गाने सुन, मैं कह रहा हूँ ये प्रोग्राम ही देख रहे हो, तुरंत इसके नीचे वो कोई ना कोई ऐसी वीडियो आ जाएगी जो आपको क्लिक करने पे बार 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 मन करेगा, क्योंकि वहां के सवाल ऐसे ही होंगे। जब शैतान चंट हो सकता है तो हमारा परमेश्वर उसको हराने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान क्यों नहीं दे सकता, हालेलुया। जब वो टेढ़ी चाल सकता है तो हमारा परमेश्वर उसको हराने के लिए उसकी चाल को ही रोक देगा। क्या लिखा है पहला पत्रस 5:8 में, पहला पत्रस 5:8 में लिखा है सचेत हो और जागते रहो, आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना में जागते रहो, हालेलुया, और सावधान रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी, हमारा विरोधी शैतान, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। अब ऐसे नहीं फाड़ेगा, ऐसे नहीं फाड़ेगा, वो क्या करेगा ऐसे ही आपको टॉर्चर देगा, और ये आपको और आपके मन में आएगा अरे पाप कोई है, ये गुनाह कोई है, अरे ये तो कोई बॉलीवुड सॉन्ग भी नहीं है, अरे ये तो एक वीडियो है देख ली तो देख ली, लेकिन शैतान का काम हो गया, वो पिन मार के चला गया, अब वो आराम से बैठ जाएगा और फिर उसके बाद आपके घर में आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे या तो आशीष अपने खोने लगोगे या बीमार पड़ने लगोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे कौन सी गलती हो गई। आज का संदेश प्रभु ने मुझे इस प्रकार दिया मेरे जी, तो हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है और ऐसे ऐसे संदेश मुझे देता है, मैं खुद हैरान होता हूँ, और जब मैंने परमिशन ली मैं खुश हो गया, लेकिन मुझे पता है टाइटल लेके बहुत लोग बोलेंगे उल्टा सीधा, लेकिन मैं आपके लिए प्रभु के लिए सब कुछ झेल लेता हूँ, बस आपके जीवन में खुशी आनी चाहिए, बरकत आनी चाहिए, परमेश्वर धन्यवाद हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप कमेंट देना, जिसको अगर बुरा लगे आप बुरा बोले और अच्छा लगे तो प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, आइए प्रार्थना करेंगे, और फिर कहूँगा अपने यूट्यूब पर चौकसी रखना, शैतान हर एंगल से आपके बैंक खाली के लिए, आपकी आत्मिक का नुकसान देने के लिए सब कुछ करने पे संभव है, तुला हुआ है वो, बस एक पॉइंट चाहिए उसे, एक क्लिक चाहिए हमारा, एक क्लिक, और गलती से जब आपका क्लिक हो भी गया तो आपको जागना और तुरंत माफी मांग के छोड़ देना है, छुपाना नहीं है। यही प्रार्थना करें, धन्यवाद करता हूँ पिता, बहुत धन्यवाद करता हूँ, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ, आपने शैतान की गड़बड़ आज फिर से पिता कुल्हाड़ी मारी है, उसके सारे हथियार आपने तोड़ दिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, आज अपने अपनी बेटियों को अपने बेटे को बचा लिया पिता। बहुत लोग गुमराह हो रहे थे, वीडियो में बहुत कुछ दिखाया जा रहा था, हर एक एंगल से इनको परेशान हो रहे थे, उलझन में थे, पाप में डूबने वाले थे पिता, लेकिन आपने इनको हर चीज़ से बचा लिया, इनके पिता आर्थिक तंगी से बचा लिया, शैतान के बैंक में हमला कर रहा था, इनके सेहत पे, इनके आत्मोन्नति पे हमला कर रहा था, लेकिन आपने सारे तीर कैंसिल कर दिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे बोलने की सामर्थ्य शक्ति देते हो, और ताकि मैं बोल पाऊँ और इनका जीवन बच पाए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो भी लोग कमेंट करते हैं अच्छा है बुरा, सबको आशीष देना, बुद्धि ज्ञान देना पिता, सब तेरी ओर से, तेरे परमेश्वर मुझे मिलता है तब मैं यहाँ बैठता हूँ और उसके बाद बोल पाता हूँ आपकी महिमा के लिए और इन लोगों के बचाने के लिए। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा को देते, एक बार फिर से इस अनोखे अद्भुत संदेश के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, ताकि प्रभु जी आज आपने सबका अंधविश्वास दूर करा, सबको बचाए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे, चाहे आप अच्छा कमेंट करो चाहे बुरा करो, और परमेश्वर की महिमा के लिए है सब कुछ मेरा जी दो, और आपको बचाने के लिए, तो इसलिए इस टाइटल पे यही लिखा है बाइबल, पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, वो उसे रॉन्ग साबित करती है, अंधविश्वास कहती है, ऐसे हर वो टॉपिक जो आपको गुमराह करते हैं, जो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको भय उत्पन्न करते हैं, उसे कभी मत देखना, कभी सर्च मत करना, बस वचन प्रार्थना से कभी आगे मत बढ़ना। हालेलुया, अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो अपनी जनरल नॉलेज की चीज़ देखो, खाना पकाने की, जैसे जो मैंने आपको बता रखा है, जिससे कि आपकी आत्मोन्नति मतलब में कोई फर्क ना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीषित करे, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।